नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कोटा तैयार है में। कोरोना काल में भी कोटा रुका नहीं, थमा नहीं, और कोचिंग सिटी होने के नाते हर हाल में बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी निभाई है, और इस जिम्मेदारी में एक बड़ी भूमिका अदा की फैकल्टीज ने, जिन्होंने घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ाई देने का काम किया, उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखने का काम किया और उनके सपनों को जगाए रखा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था, या मैं यूं कहूं कि हर किसी को इंतज़ार था कि कब वो दिन आएगा जब क्लासरूम में बैठकर वो पढ़ेंगे, और अब वो दिन आ चुका है। इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। मैं कोटा के एक नामी कोचिंग संस्थान एलन की क्लासरूम में मौजूद हूँ। कोचिंग संस्थानों ने भी गाइडलाइन आने के बाद पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर ली है। मेरे आसपास की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें खुद बता रही है कि किस तरह से क्लासरूम में व्यवस्था की गई है कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार ही। ये क्लासरूम देखकर बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारी यादें उनके दिमाग में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे देश भर के कोने कोने में जो शायद कोविड के इस महामारी के समय से पहले इसी क्लासरूम में पढ़ा करते थे, कोटा में वो मौजूद थे, और हर किसी को इंतज़ार है और अब वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ये वही क्लासरूम है जहां अब फिर से बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ पाएंगे। बहुत सारी यादें बच्चों की यहां रही होगी, वो अपने बेस्ट फैकल्टी से यहीं पे बैठकर घंटों अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयारी किया करते होंगे, और साथ ही फ्री टाइम में, ब्रेक टाइम में अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ मस्ती किया करते होंगे। ये क्लासरूम बहुत कुछ याद दिला रहा होगा घर बैठे बच्चों को। अब गाइडलाइन के मुताबिक 50% क्षमता के साथ ही क्लासरूम के बैचेस लगेंगे, और ख़ास बात यहाँ बता दूँ कि सैनिटाइजेशन के लिए क्लासरूम में एक बड़ी और अच्छी व्यवस्था की गई है। कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि वो दिखाए, यूवी रेज के माध्यम से जैसे ही एक बैच खत्म होगा उसके बाद ये यूवी रेज अपने आप क्लासरूम को सैनिटाइज करेगा, यानी कि जैसे ही एक बैच खत्म होता है दूसरे बैच के लिए ये क्लासरूम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो देर किस बात की, हो जाइए तैयार कोचिंग सिटी कोटा आने के लिए।